इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र स्थित साजू नगर में पेट्रोल पंप पर दो बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश भी की और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया है। दरअसल पूरी घटना इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के साजुन नगर पेट्रोल पंप की है, जहां पर नाइट कर्फ्यू के दौरान देर रात दो बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचे और बीमार परिजन को अस्पताल देखने जाने का बहाना बनाकर पेट्रोल मांगने की बात करने लगे। इसी दौरान बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को पिस्तौल अड़ाकर पेट्रोल पंप के गल्ले में रखे 2100 रुपये लूट लिए। वहीं बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जलाने की कोशिश की और कैबिन में घुसकर तोड़फोड़ किया और कर्मचारियों को बंधक बनाने की कोशिश की। पेट्रोल पंप से 2100 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए। पेट्रोल पंप संचालक द्वारा संयोगितागंज थाने में मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। रात 3 बजे की है, दो बंदे पैदल 3 इमली चौराहे की तरफ से पंप पे आए। पहले उन लोगों ने बोतल में पेट्रोल मांगने की कोशिश करी, हम लोगों ने साफ मना कर दिया हमारे आदमियों ने कि बोतल में पेट्रोल नहीं दिया जाता है। उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल का कोई कार्ड बताया कि हम यहाँ पे काम करते हो और वहाँ पर भर्ती है, उसके बाद भी हमने देने से मना कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने बंदूक निकाली और पंप को लूटने की कोशिश करी, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी दिखाई दिए पंप पे। बंदूक निकाली, आदमी को दिखाया, डराया, धमकाया और फिर पेट्रोल लिया उन लोगों ने डब्बे के अंदर और फिर पेट्रोल पंप पे छिड़का, ताकि उनको डराया, धमकाया और किसी भी तरीके से पैसे हेटने की कोशिश करें वो। उसके बाद वो लोग ऑफिस के अंदर आए, जब उनको पैसे नहीं मिले ऑफिस में से भी, तब उन लोगों ने दोनों सिस्टम तोड़ दिए, लड़कों को खूब मारा पीटा और कपड़े भी फाड़े और फिर वो यहाँ से चले गए। बंधक बनाए थे नहीं, बंधक नहीं बने थे, बट खूब मारा पीटा खूब, ताकि डर के किसी भी तरीके से जो है पैसे निकाल सके और पेट्रोल छिड़का, ताकि जलाने की डर से या मरने के डर से जो है वो पैसे। आरोपी थे क्या, नकाब में थे? 2 आरोपी थे, दोनों ने मास्क पहन रखे थे और एक ने एक पूरा मतलब फेस कवर कर रखा था। एक गार्ड को जलाने की कोशिश भी करी, गार्ड को और एक जो कर्मचारी है, दोनों 2 आदमी रहते हैं, तो उन दोनों को जलाने की कोशिश करी। लगभग कितना अमाउंट वगैरह लेते थे? पैसे उनको कुछ खास मिले नहीं, सिर्फ 2100 रुपये मिले, तो उसमें जो है उनको आक्रोश आ गया काफ़ी और उन्होंने तोड़ा फोड़ी करने की कोशिश करी और पंप जलाने की कोशिश करी। घटना सीसीटीवी में? जी हाँ, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है और ये पूरी पुलिस के पास जा चुकी है और पुलिस उसी समय आ गई थी जैसे ही फ़ोन किया, और पुलिस की सहायता से जो है दोनों आरोपी अभी पकड़े गए हैं, हिरासत में हैं। आपका नाम बताइए। वहीं एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि साजन नगर पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पिस्तौल जैसी दिखने वाली ये लाइटर था, जिसे दिखाकर पेट्रोल पंप पर लूट करने पहुंचे थे, जहां एसपी आशुतोष बागरी ने पेट्रोल पंप के गार्ड को पेट्रोल डालकर जलाने की बात में साफ इनकार कर दिया। बहरहाल दोनों आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है। इसमें पूरा मामला ये है कि दो लड़के आए पेट्रोल पंप में, उन्होंने पेट्रोल लेने के बहाने पेट्रोल मांगा उन्होंने करीब 50 रुपये का, तो उसने कहा कि चेंज नहीं है मेरे पास में जो पेट्रोल भरने वाला है। इसके बाद उसने कहा कि ठीक है 70 रुपये का ले लो, 30 रुपये मिल जाएंगे, 100 हों तुम्हारे पास, तो ऐसा करके वो स्कूटी में गए। इसके बाद जो लाइटर रहता है नकली वाला, मतलब जो पिस्टल टाइप का दिखता है, फैंसी लाइटर, उसको लेकर के चले गए कि तुम जो है गले से पैसे दो, और उससे 2100 रुपये 2100 रुपीज़ उससे जो है छीन लिए और इसके बाद भाग गए। फिर पुलिस ने उसको कोशिश करी हिकमत अभी से, उसका वीडियो फुटेज देखा और उसकी जो स्कूटी छोड़ के गए थे उसके नंबर से ट्रेस किया, दोनों आरोपी पकड़ गए। सर क्या हथियार भी थे उनके पास? नहीं नहीं, कोई हथियार नहीं थे, वो नकली पिस्टल थी, वो नकली पिस्टल को उन्होंने दिखा करके, असली में पिस्टल भी नहीं थी, वो लाइटर था उससे उन्होंने किया है। सर कोई गार्ड को भी जलाने की कोशिश करी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर सीसीटीवी में एक पेट्रोल डालते हुए आ रहा है,
हमने बताया ना कि पेट्रोल लेने के लिए ही वो आए थे, शुरू में पेट्रोल लेने के बहाने ही आए थे। इसके बाद नहीं, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। नाबालिग नहीं, नाबालिग उसमें एक का थोड़ा सा भी डाउट है, बाकी एक बालिग है।